दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के पास इस वक्त काफी सारी फिल्में हैं और यही वजह है कि उनका आने वाला स्केड्यूल काफी बिजी है। और यही तो वजह है कि जॉन अब्राहम ने अपनी फीस में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। अब देखिए, हाल ही में ये खबरें आई थी कि शाहरुख खान के साथ पठान में जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में फाइट सीक्वेंस होगा और जबरदस्त फेस ऑफ होगा और दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। और जाहिर तौर पर फिल्म मेकर्स भी इस जोड़ी को एक साथ दिखाने के लिए या फिर इन टू स्टार्स फिल्म को एक साथ पर्दे पर लाने के लिए एक्साइटेड हैं। और फिल्म मेकर्स को उम्मीद है कि जब जॉन और शाहरुख को पर्दे पर फैंस देखेंगे तो यकीनी तौर पर काफ़ी फ़ायदा फिल्म मेकर्स को होगा, काफ़ी प्रॉफिट ये फिल्म कर जाएगी। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स जॉन अब्राहम की ह्यूज डिमांड को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ह्यूज डिमांड है उनकी फीस को लेकर। दरअसल जॉन ने शाहरुख खान की इस फिल्म जिसका नाम पठान है, इसमें किरदार निभाने के लिए 20 करोड़ की फीस मांगी है। देखिए, एक फिल्म को करने के लिए जॉन अब्राहम वैसे 11 से 12 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ जैसा भी उनका किरदार होगा, जितना भी उनका किरदार होगा, उस पार्ट को निभाने के लिए 20 करोड़ का भारी भरकम अमाउंट जॉन अब्राहम ने मांगा है। और दिलचस्प बात यह है कि जो फिल्म के मेकर्स हैं वो जॉन की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार भी हो गए हैं। वैसे आपको बता दें, जॉन के पास सत्यमेव जयते 2 है जिसकी शूटिंग वो इन दिनों कर रहे हैं और इसके बाद वो करेंगे एक विलन 2 की शूटिंग। बताया जा रहा है कि इस बार एक विलन 2 में जॉन अब्राहम का लीड किरदार होगा और बहुत अलग इस बार कहानी होने वाली है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बीच में वो पठान के लिए वक्त निकालेंगे और इस भारी भरकम फीस को वो वसूलेंगे। बता दें, जो पठान है नवंबर में उसकी शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है और अगले साल दिवाली के मौके पर फिल्म को रिलीज करने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका पादुकोण हो सकती है। वैसे तो इसमें अनुष्का शर्मा का नाम भी आ रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म के लिए हामी भरी है। तो एक फिल्म में जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को एक साथ देखना यकीनन फैंस के लिए भी किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। तो इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताइएगा।